आज से मध्य प्रदेश में 18 साल से लेकर 44 साल तक के आयु वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। सुबह 7:30 बजे से ही युवा टीकाकरण के लिए लाइन में लग गए। भोपाल, इंदौर, गुना, मुरैना, उज्जैन समेत कई जिलों में सेंटर पर ऐसे लोग भी पहुंच गए जिन्हें SMS नहीं मिला था, तो उन्हें मायूस ही वैक्सीनेशन सेंटर से लौटना पड़ा। भाजपा का प्रदेश में हुआ धरना प्रदर्शन। बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ही जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की गई, उसके विरोध में भाजपा का धरना प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। भोपाल के धरने में गृह मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी शामिल हुए। COVID-19 से पीड़ित मरीजों के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 63,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। प्रारंभ में ऑक्सीजन की कमी का संकट आया था, परंतु अब प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त है, कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जबलपुर में आज 5 मई से 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के लोगों को कोरोना अभियान के तहत टीकाकरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने उत्साह के साथ कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। कोरोना महामारी के इस संकट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद VD शर्मा ने लोगों के इलाज एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को उपलब्ध कराई। आजीविका स्व सहायता समूह की महिलाएं अब करेंगी ग्रामीणों को जागरूक। कलेक्टर के निर्देश पर जनपद पंचायत बीजगंडे अंतर्गत 40 पंचायतों के 80 ग्रामों में महामारी के संबंध में महिलाएं लाउड स्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं। गर्मी में पक्षियों के कंठ न सूखने पाए, पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए निवास के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ने पैरों पर जलपात्र बांधने का अभियान प्रारंभ किया ताकि पक्षियों को भोजन एवं पानी उपलब्ध हो सके। इन स्वयंसेवकों ने इसके लिए लोगों को ही प्रेरित किया। राज्य सरकार ने अब कोविड मरीजों से अनाप शनाप बिल वसूलने के मामले को गंभीरता से लिया है एवं ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 3 सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी बना दी है। इसमें 2 प्रमुख सचिव एवं 1 सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यदि किसी भी अस्पताल में घोषित पैकेज से ज्यादा बिल वसूलने की शिकायत मिलेगी तो कमेटी तत्काल जाँच कर कार्रवाई करेगी। कोरोना से लड़ने और जल्द स्वस्थ होने कोविड केयर सेंटर में मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। इसमें दवाइयों के साथ साथ योगा एवं व्यायाम का भी डोज दिया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर बिछिया में प्रतिदिन सुबह योगा एवं व्यायाम कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 90 कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें 40 से ज्यादा नैनपुर क्षेत्र के हैं, 13 बिछिया के, 18 के लगभग बमनी क्षेत्र के हैं। इन मामलों में मवई एवं निवास के भी कुछ मामले हैं। इन सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है।